सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद को जहर दिए जाने की खबर हम अखबार में छापेंगे। हम लिखेंगे कि शहजादा अब्दुल कादिर के तख्त नशीन होने के कवी तर इम्कानात हैं। गालिब अफंदी, कौन है ये गालिब अफंदी? अगर तुम्हारी पेशकश मुस्तरद कर दी गई है तो जंग का ऐलान कर दो। याद रखना, कोई भी राज हमेशा राज नहीं रहता, एक दिन जाहिर हो ही जाता है। तुम्हारी कहानी भी जल्द खत्म हो जाएगी। आप उस्मानी औलाद हैं, दूसरे उस्मानी बेटों की तरह आप भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। अगर सल्तनत तबाह हो जाए तो इसमें वो नाम दर्ज हैं जो नई तुर्क रियासत बनाएंगे, इसे संभाल कर रखें। भाई भाई, आप ठीक तो हैं? अब्दुल हमीद का इंतकाल होने वाला है, उम्मीद है आपकी कैद भी जल्द खत्म हो जाएगी। अब्दुल कादिर तख्त नशीनी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप इस बात से नावाकिफ हैं। हमें पूरा यकीन है कि अब्दुल कादिर भी इस बात से वाकिफ नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हकदार हम हैं। रास्ता दुश्वार है लेकिन साथ चलना खुशगवार है। हमें सांस रुकने का डर नहीं था, बल्कि मुसीबत में भी आपके साथ होने का इत्मीनान था। हमारी नूरे नजर। शुक्र आप ठीक हो गए। आपके दिए हुए फूलों की खुशबू ने ठीक कर दिया हमें, और इसके साथ आप सबकी दुआओं ने। सुल्तान मौजम, बहुत डर गए थे हम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपको सेहत दी। हमारी दुआएं कबूल हुई। तहसीन पाशा, आपको सूरत हाल का इल्म होगा, हम जानना चाहते हैं सब कुछ। चलिए शहजादी बाबा को काम करने दीजिए। खुश रहिए। तहसीन पाशा, बीमारी के दौरान बहुत से अखबारात जमा हो गए होंगे, हम तमाम खबरें जानना चाहते हैं। जी मेरे सुल्तान, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है। वो क्या है? अमरीकी हमें जंग की धमकियां दे रहे हैं मेरे सुल्तान। हमने अपने दफा का हक इस्तेमाल किया इसलिए। मेरे सुल्तान, पहले तो वो चाहते थे कि हम उनके जहाज का मुआवजा अदा करें या फिर उनके सिफारत खाने का दर्जा बढ़ा दें। तो आपने क्या कहा उनसे? मलिका के हुक्म के मुताबिक हमने दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए। आफरीन। अगर हम मुआवजे का मुतालबा कबूल कर लेते तो यह गलती तस्लीम करने के मुतरादिफ होता, लेकिन हम कसूरवार नहीं।
और अगर उनके सिफारत खाने का दर्जा बुलंद कर देते तो एक बहुत बड़ी तबाही का अंदेशा होता, जिसकी तलाफी नामुमकिन होती। दुरुस्त फैसला किया आपने। हमने आपसे ही सीखा है मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, एक मसला और भी है। लगता है तमाम मसाइल हमारे होश में आने के मुंतजर थे। बताइए बादशाह। सुल्तान मौजम जहाज मशीनें लेकर बंदरगाह पर आ गए थे, लेकिन जर्मनी ने मुआहिदा मनसूख कर दिया। इसकी वजह? उनका कहना है कि वो उस रियासत के साथ कारोबार नहीं करते जिनका मुस्तकबिल महफूज ना हो। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने जंग की धमकी दी थी। फौरन ग्रेफंड अफंदी को तलब करें और अखबारात भिजवाइए हमारे पास। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा जी, कहिए मलिका। क्या मुमकिन है कि आप अखबारात सुल्तान को नाला कर दें? क्योंकि अखबारात में जो खबरें छपी हैं वो पढ़कर उन्हें बहुत अफसोस होगा। आप जानते हैं अभी तो उनकी तबीयत बेहतर हुई है, क्या ये मुनासिब होगा पाशा? आप सही कह रही हैं मलिका, सुल्तान खबरें पढ़कर दुखी होंगे, लेकिन मेरा फर्ज है कि जो हुक्म मुझे मिला है वो पूरा करूं। अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मैं उनसे कोई भी खबर नहीं छुपा सकता। मैं माजरत चाहता हूं, इजाजत दीजिए। खदीजा, अब तो खुद को संभालिए, कितना वक्त गुजर गया है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। फिरोजे ने जिस दिन से आपको वो पैगाम दिखाया था उसी दिन से बहुत गमगीन हैं आप, लेकिन देखिए कितने दिन गुजर गए। वो लड़की कुछ नहीं करेगी, फिक्र मत कीजिए। सही कह रही हैं, फिरोजे का मकसद सिर्फ आपको डराना था। ये और बुरा है, जब भी उनका दिल चाहे वो हमें डरा सकती हैं, किसी भी वजह के बगैर। हमने जिसे वो खत लिखा था वो तो अब हमसे मिलना भी पसंद नहीं करते। किसी भी सजा के लिए तैयार थे हम, जेल जाने के लिए भी फूफी जान। बस एक ही ख्वाहिश थी कि हम कमालुद्दीन के साथ रहें। कोई मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं कर सकता जब तक ये खत मेरे पास है। बिल्कुल। बहुत दिनों तक खामोश रही हो तुम, मतलब मुझे परेशान नहीं करना चाहती। फिरोजा बाजी। मेरी शहजादी, खुश आमदीद। बाबा बिल्कुल ठीक हो गए हमारे दिए हुए फूलों की वजह से। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुन के खुशी हुई मुझे। बीदार सुल्तान उनके लिए खाना बना रही है, हम भी जाके उनकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं शहजादी आप। बाबा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं हम, उनके लिए बहुत सारी तस्वीरें बनाएंगे, हमें फूल भी जमा करने हैं उनके लिए और बहुत सारे काम करने हैं। बहुत वक्त है शहजादी हमारे पास, रोजाना एक नया काम करेंगे। हम दोनों हमेशा इस महल में साथ रहेंगे, है ना? आ जाएं। अब्दुल कादिर, आपके बाबा सेहतियाब हो गए हैं,
वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप उदास क्यों है वालिदा? आपके बाबा अखबारात पढ़ना चाहते थे। हमने तहसीन पाशा से कहा कि अखबारात सुल्तान मौजम को ना दें ताकि वो आपके बारे में खबरें ना पढ़ सकें, लेकिन पाशा ने... ये कोई हल नहीं है वालिदा, पता चल ही जाएगा उन्हें। फिक्र मत करें आप, हम खुद अखबार लेकर जाएंगे उनके पास, हमारा बताना ज्यादा मुनासिब रहेगा। बिल्कुल शहजादे। आ जाओ। काफी खुश नजर आ रहे हैं। तुम भी खुश हो जाओ मार्को। अब्दुल हमीद जिंदा है। अगर वो मर जाता तो ज्यादा खुश होता मैं। तो फिर तुम भी जिंदा नहीं बचते। जानता हूं। मैं महल जा रहा हूं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। खुशखबरी मेरे लिए? आज तक तो नहीं सुनी मैंने, बताएं मुझे। व्लादिमीर कल पाया तख्त पहुंच रहा है। समझा नहीं मैं, अचानक से क्यों आ रहा है वो? मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरी बात माने मार्को। आ जाएं। सुल्तान मौसम, हमें सबसे ज्यादा खुशी है आपको सेहतियाब देखकर। आपको सबसे ज्यादा खुशी क्यों हुई फर्जन? हम जानते हैं कि हम इस काबिल नहीं कि रियासत का बोझ अपने कंधों पर उठा सकें। तहसीन पाशा से अखबारात तलब किए थे आपने। लगता है कि कोई बात ऐसी है जो आप खुद बताना चाहते हैं हमें। सुल्तान अब्दुल हमीद की वफात के बाद शहजादा अब्दुल कादिर अफंदी तख्त नशीनी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस खबर का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है मेरे सुल्तान, इसीलिए सबसे पहले हम आपको बताने आए हैं। किसी को लगता है कि हम इसके लिए मौजू हैं? यह खबर इसलिए नहीं दी गई कि सुल्तान बनने के लिए आप मौजू हैं, बल्कि इसका मकसद यह है कि यह खबर पढ़कर आप कोई ऐसा कदम उठाएं जो रियासत के खिलाफ जाए। हमें कुछ होने की सूरत में तख्त कौन संभालेगा? इसका फैसला क्या ये अखबारात करेंगे? ये रिवाज सदियों से जारी और सारी है फरजंद। जब आपके भाई मुराद जिंदा थे और आप तख्त नशीन हुए। देखें फरजंद, तख्त मतलूब नहीं है, ये नसीब से मिलता है। हमारे भाई मुराद अफंदी अलालत में तख्त नशीन हुए, ये बात सब जानते हैं, इसीलिए तख्त हमें दिया गया और तख्त नशीन होने के बाद हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। अगर आपको इस खबर पर कोई एतराज है तो इसे शाया करने वाले के पास जाकर शिकायत करें। रियासत एक निजाम के तहत चलती है, अगर उस निजाम को नजरअंदाज कर दिया जाए तो रियासत का नाम और निशान मिट जाता है।
आइए शहजादी। आपको हंसता मुस्कुराता देखकर खुशी हुई। अल्लाह ने आपके बाबा को सेहत अता की है। जब आपके बाबा ने खड़े होकर हमारी आंखों में देखा तो रूह की तारीकी रोशनी में तब्दील हो गई। हम भी बाबा की सेहतियाबी से बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी रूह अब भी तारीख है। आखिर बात क्या है नाई में? एक शुबा जो हर वक्त रहता है। बाबा बीमार थे इसलिए बात नहीं करना चाहते थे हम, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता अब। हमारी प्यारी दुख्तर, आइए यहाँ बैठिए, बैठकर बात करते हैं। बताइए हमें आप क्यों परेशान हैं? शहजादी खदीजा और वासफी अफंदी बातें कर रहे थे बाग में। खदीजा ने शादी से उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि किसी और से मोहब्बत करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने बताया वो कौन है? नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन है। यकीनन कमालुद्दीन पाशा है। नाइमे, आप जानती हैं ना आप क्या कह रही हैं? हमें पूरा यकीन है वालिदा, हमने उन्हें पहले भी साथ देखा है, वो दोनों बहुत नजदीक हैं। वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते नाइमे, लेकिन हम इस बारे में तहकीकात जरूर करेंगे। आप परेशान मत हो। अब्दुल हमीद ने जब अखबारात देखे तो क्या कहा? अब्दुल कादिर को खबरदार किया और कहा कि अखबारात के मुताबिक कार्रवाई करना रियासत को बर्बाद करने का बायस होगा। बहुत खूब सबाहतीन, बहुत खूब। शहजादे को अब ये खौफ होगा कि कहीं अब्दुल हमीद को जहर देने की साजिश में उस पर कोई इल्जाम ना आ जाए। वो मोहर आपने इसीलिए चोरी की थी? शहजादे ने अब्दुल हमीद के तबीब से वादा किया है कि अगर वो तख्त नशीन हुआ तो उसे अपना वजीर बना लेगा और आप उस पर मोहर लगा देंगे। आपने अब्दुल कादिर के खिलाफ ये मंसूबा क्यों बनाया? क्योंकि सबाहतीन, जनाब पारवुस को उनके तेल के इदारे के हिस्से चाहिए और वो मैं उन्हें अब्दुल कादिर से लेकर दूंगा। पारवुस साहब की नजर में उस इदारे की बहुत अहमियत है, होशियार सियासतदान है, वो कहीं नजर नहीं आते, मगर उन्हें तेल चाहिए। क्या उस तेल की अहमियत इतनी ज्यादा है बाबा कि उसके लिए इतना कुछ करते फिर रहे? बिल्कुल है। कहां जा रहे हैं? मार्को से मिलने के लिए, उसे पेशकश करने के लिए। जाने से पहले बिल अदा करते ना सब आदमी। दे दूंगा बाबा, दे दूंगा, फिक्र ना करें आप। हमें किसने मारने की कोशिश की? जब तक हम इस मिल्लत की भलाई के काम करते रहेंगे ये कभी भी पास नहीं आएंगे। हमने जब तलवार उठाई उस वक्त जहर दिया गया हमें। अगर मुझे इल्म होता तो वो तलवार मैं अपने सीने पे ले लेता। मुराद अफंदी, वो तलवार मुरीदों की सरकोबी के लिए है। तुमने अपना फर्ज निभाया, तलवार हमारे पास ले आए, रियासत को मुश्किल सूरत हाल से बचाया। कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने अपना फर्ज ठीक से अदा नहीं किया। उन्होंने हमें तलवार के जरिए जहर दिया, हमने उन इस्लाम दुश्मनों से मुकाबला किया। हमारे अस्पताल में इसका इलाज हो सकता था, लेकिन एक तबीब हमारी जिंदगी के दर पे हो गया। खुशकिस्मती से गालिब अफंदी ने अल्लाह की रहमत से हमारा कामयाब इलाज किया। अल्लाह का शुक्र है कि आप शिफायाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्जंद, हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमें जहर दिया उन्हें तुम तलाश करो और ढूंढो उस तबीब को भी। ढूंढ लूंगा मैं, जरूर ढूंढ लूंगा मेरे सुल्तान।
मैं उनके दिल चीर दूंगा। स्नेहा सुल्तान, बिदार सुल्तान, सुल्तान ठीक हो गए माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, वो बिल्कुल ठीक हो गए। मगर खदीजा कुछ ठीक नहीं लग रही हैं हमें। क्या बात है खदीजा? क्या आपकी उदासी की वजह वासफिया फंदी से रिश्ता तोड़ना है? जी बिल्कुल, एक लड़की के लिए बहुत उदास खड़ी होती है ये। वासफिया फंदी रियासत के बहुत ही वफादार नौजवान है। ऐसे शख्स को मुस्तरद करने के लिए आपके पास इंतहाई ठोस वजह होनी चाहिए। हमने काफी गौर किया मगर हमें कोई वजह समझ में नहीं आई। हम वासफिया फंदी को अपने लिए मौजू ख्याल नहीं कर रहे थे। इसके बरक्स उनसे मुनासिब आपके लिए और कोई शख्स नहीं। देखिए खदीजा, आप एक माजूल सुल्तान की दुख्तर हैं। हमें यकीन है कि आप किसी पाशा से शादी करने का ख्वाब नहीं देख रही होंगी, क्योंकि इस सूरत में आपको बहुत तकलीफ और मायूसी होगी। शाबाश लड़कियों, शाबाश, जल्दी जल्दी काम करो। बेलुल, जाकर उस पतीले में चमचा चलाओ। शाबाश। उस्ताद, हम और कितना खाना बनाएंगे? मेरे तो हाथों में दर्द होने लगा है। ये दोबारा मत कहना कि मेरे बाजुओं में दर्द हो रहा है, यही चमचा तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। अब अपना मुंह बंद करो और काम पे ध्यान दो। और याद रखना, अब अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो तुम्हें इसी पतीले में उबाल दूंगा। आलू की तरह बन जाओगे। बहुत हंसी आ रही तुम दोनों को लड़कियों। फादिल उस्ताद, हम आ गए। खुशामदीद शहजादी, आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन आज यहाँ काम बहुत ज्यादा है। सुल्तान के सेहतयाब होने की खुशी में बहुत सारा खाना तकसीम करना है। तो हम भी आपकी मदद करें? अगर आप यही चाहती हैं तो आपका हुक्म सर आँखों पर प्यारी शहजादी। फादिल उस्ताद, आपको कोई पहेली आती है? पूछिए आराम से। तो मैं पहेली पूछूं आपसे और आप उस पहेली का जवाब बूझेंगी? हाँ तो बताइए। आसमान में एक खिड़की खुली है और चमकता हुआ बर्तन है। मैं बताऊं पतीला? बेलुल, काम पे ध्यान दो वरना इसी पतीले में उबाल दूंगा। बूझ लिया हमने जान, वो आसमान में बर्तन की तरह चमकता है ना? आफरीन शहजादी, आफरीन शहजादी। मार्को। कहो महमूद पाशा। शहजादा अब्दुल कादिर अब मेरे काबू में है। इसके अलावा कोई बात है तो बता मुझे। मार्को, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है क्या? शहजादा अब्दुल कादिर के मेरे काबू में होने का मतलब तेल का इदारा अब मेरे हाथों में है। जनाब पारवुस को इस इदारे यानी तेल में दिलचस्पी है या नहीं? क्या चाहते हो तुम? तेल के इदारे के हिस्से में जनाब पारवुस को देना चाहता हूँ और बदले में जनाब पारवुस से रूबरू मुलाकात करना चाहता हूँ। महमूद पाशा, मैं तो समझ रहा था कि एक बेकार आदमी हो तुम। अक्ल उम्र या किसी तजुर्बे में नहीं, अक्ल का मंबा है महमूद पाशा। तुम महमूद पाशा को कभी समझ ही नहीं सके मार्को। मेरी राय अब भी नहीं बदली बिल्कुल। जल्द मिल जाएगा जवाब। नफ्सियाती। उसने मेरे हाथों सुल्तान को जहर दिलवा दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खुद को इल्जाम मत दीजिए। आपको नहीं मालूम था कि तलवार पे जहर लगा है। मुझे ये सब सोचना चाहिए था। उनमें ना तो जमीर है ना ही इंसानियत। अपने मफाद के हुसूल के लिए सब कुछ जायज समझते हैं। अब क्या करना है हमें? पहले हम सुल्तान के तमाम तबीबों से बात करेंगे। गद्दार उन्हीं में से कोई एक होगा। मेरे सुल्तान, बदकिस्मती से जर्मनी दारे ने मशीनों की फरोख्त मंसूख कर दी है। हम आपकी बात हरगिज नहीं कर रहे, लेकिन मगरिब वालों को जब तक अपना मफाद नजर ना आए
वो ईमानदारी नहीं दिखाते। हम जर्मनों के साथ मुआहदा करते हैं और वो हीले बहाने करके उसे मनसूख कर देते हैं। अभी तो आपने सिर्फ दो ही मशीनें मंगवाई हैं और दुश्मन परेशान हो गए सुल्ताने मुअज्जम। ये अमरीकी आखिर इन मशीनों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? वो जानते हैं कि अगर केरकुक और मूसल से तेल निकल आया तो यूरोप को तेल यहीं से मिल जाएगा और किसी को उनकी जरूरत नहीं रहेगी। गैर मुल्कियों की वाहिद ख्वाहिश यह है कि मुसलमान कभी तरक्की ना कर सकें। अगर मुसलमान तरक्की कर गए तो इस्लाम की अखलाकी और इंसानी बुनियादें उन्हें कुचल डालेंगी। कैसे? मसलन कुरान में अल्लाह का फरमान है, अगर मकरूज के पास कर्जा अदा करने के लिए रकम ना हो तो उसे अदायगी के लिए मोहलत दी जानी चाहिए। अगर इस हकीकत को समझो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर मुनासिब समझो तो वो कर्जा उसे माफ कर दो। इस फरमाने खुदावंदी के बाद सूद का पहाड़ कैसे खड़ा हो सकता है, किसी तरह का इस्तेसाल कैसे हो सकता है? शानदार, इसीलिए मगरिब वाले इस्लाम से खौफजदा हैं। अगर सुल्ताने मौसम की इजाजत हो तो मशीनों की खरीदारी के लिए अपने इदारे की जानिब से मैं जमानत देने के लिए तैयार हूं। मतलब वो कैसे? मतलब कि मशीनें मैं जर्मन इदारे से खरीद लेता हूं और बतौर जमानत जर्मनी के अपने इदारे में उन्हें कारोबार की पेशकश करता हूं, और वो ये बात जानते हैं कि खरीदी गई मशीनों का जिम्मेदार मेरा इदारा है। मशीनें तो पहले ही यहां पहुंच गई हैं, अगर वापस चली गई तो 6 महीने की ताखीर हो जाएगी। फैसला सुल्ताने मुअज्जम करेंगे, आखिरकार मशीनें जर्मन इदारे की ही मिल्कियत हैं। तो ठीक है, हम अपने दोस्त को अपनी मदद का मौका फराहम करते हैं। आप मशीनें खरीद लें ग्रेफंडाफंदी। इस काम में हर मरहले पर आपकी मदद के लिए सलीम पाशा का इदारा मौजूद होगा। तलवार के जहर का असर कम था जबकि सुल्तान की हालत दौरान इलाज ज्यादा बिगड़ गई थी। और इलाज के दौरान उनके साथ मामूल से हटके कुछ हुआ था? इसका मतलब कि हमारे सुल्तान को दोबारा जहर दिया गया था। ये दवाओं का भी मनफी असर हो सकता है, किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। आप लोगों के अलावा भी किसी ने सुल्तान को दवाई दी थी? एक और तबीब भी था हमारे साथ। कहाँ है वो इस वक्त? उस्मान के हमने सबको बुलाया था, सबको आगाह कर दिया था। नौ नौफंदी, सुल्तान के सेहतयाब होने के बाद नजर नहीं आए महल में। चलो उस्मान, हम उसे ढूंढते हैं। नौ नौफंदी सुल्तान के खास तबीबों में से हैं, सुल्तान उन पर बहुत एतमाद करते हैं। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, या तो उनकी सुल्तान से मोहब्बत खत्म हो गई है या उन्हें धमकी दी गई है। पूछिए पाशा, क्या पूछना चाहते हैं? इसके बगैर आप बाहर नहीं जा सकेंगे। माफी चाहता हूं मेरे सुल्तान, आपने आखिर मशीनें ग्रेफेंड अफंदी को खरीदने की इजाजत क्यों दी? क्या पहले हमने तमाम मामलात अपने इदारे में रखने का फैसला नहीं किया था? फिक्र मत करें पाशा, उस इदारे में भी शराकतदारी है हमारी। हम अपना हक इस्तेमाल करके उस इदारे से वो मशीनें खरीद रहे हैं। इस खेल में सारी चालें हमारी हैं। इंशाल्लाह मेरे सुल्तान, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। बेदार सुल्तान को यकीनन आप पर शक हो गया है खदीजा, वरना वो इतनी बातें क्यों करती? शायद वो जान गई हो सब। अगर वो जान गई होती तो क्या आप अब तक यहाँ होती? आप दोनों अपने बाबा की तरह नजरबंद हो चुकी होती। लेकिन जब किसी के दिल में शक जाग जाता है
तो अगला मरहला भी जरूर आता है। अब क्या करें पप्पी जान? यहां से जाने का सोच रही थी ना आप, लगता है वो वक्त आ गया है। बिदार खातून हो सकता है कुछ वक्त के लिए भेज दें कि कमालुद्दीन और नाइमे की शादी के बाद आ जाना। कमालुद्दीन और नाइमे दोनों के लिए? हमें अपनी मोहब्बत को अलविदा कहना होगा। आपके पास और कोई चारा नहीं है, अब तो समझ जाइए। अपने आप को संभालिए और यहां से चले जाइए आप। चले जाएंगे हम, लेकिन कभी ना वापस आने के लिए। फिरोजीबाजी, चले वालिदा को खत लिखते हैं हम, उन्हें बताएंगे कि बाबा ठीक हो गए हैं। जरूर लिखें आप, आपकी वालिदा आपको बहुत याद करती होंगी। हम भी उन्हें बहुत याद करते हैं। ये लीजिए शहजादी। बहुत शुक्रिया। फिरोजीबाजी, आपकी वालिदा याद आती हैं आपको? याद क्यों नहीं आएंगे शहजादी, बहुत याद आती हैं मुझे। मेरे पास उनकी एक तस्वीर भी थी, उसी को देख लिया करती थी मैं, लेकिन खो गई मुझसे। आपको दुख हुआ होगा ना? बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। वालिदा का चेहरा अब सिर्फ याददाश्त में बाकी है मेरी। शहजादी, आपकी वालिदा हयात है इस बात का शुक्र करें। महमूद पाशा बहुत एतमाद से बता रहा था। अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो उसे मार देना मार्को, और अगर उसकी बात सही निकली तो मुझसे मिलने का इशारा दे देना उसे। इतना कुछ करके भी हमें वो हासिल नहीं हुआ जो हम चाहते थे मार्को। अगर महमूद पाशा की वजह से हमें कामयाबी मिली तो एक और कहावत सही साबित हो जाएगी। कैसी कहावत? तुर्कों को आप सिर्फ अंदर से ही मात दे सकते हैं। ये क्या है? मैंने हर एक के सामने आपकी बहुत तारीफें की, बहुत। मैंने कहा ये बड़े इकदामात की काबिलियत रखते हैं, लेकिन क्या हुआ, अब्दुल हमीद दोबारा खड़ा हो गया, लेकिन मैं बैठा रहने वाला नहीं। ये लिफाफा तबीब को दे दें, इसे अपने घर पर रख दे। वजारत का वादा, शहजादे अब्दुल कादिर की मोहर। कुर्बान कर रहे हैं अब्दुल कादिर को, मगर क्या अब्दुल हमीद इस पर यकीन करेगा? जनाब का रसो, अखबारात में जो खबरें छपी हैं वो पढ़ने के बाद न सिर्फ अब्दुल हमीद बल्कि खुद शहजादा अब्दुल कादिर भी यकीन कर लेगा। जनाब हर्ज़
उम्मीद है आपको परेशान नहीं किया होगा मैंने। बिल्कुल नहीं, बैठे। वैसे भी आप जैसे मुसन्निफ को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। मैं और मुसन्निफ, ये तो सुनते ही मेरे दिल की धड़कने तेज हो गई है बहुत। मैंने एक मजमून लिखा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज मैं इतनी खुश हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे खुशी से बेहोश हो जाऊंगी मैं। खैर, बेहोश होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पढ़ लूंगा। बाबा को सफर करना पसंद है, उनके साथ इस्तांबुल के अनदेखे मकामात को देखने का मौका मिल रहा है मुझे। इसमें उस जगह का जिक्र है जहाँ का सफर दरपेश है। ठीक है, बहुत खूब। शायद हमारे कारईन आपकी बदौलत उस मुकाम के बारे में जान सके। इंशाल्लाह। कमालुद्दीन, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बिदार सुल्तान को हम पर शक हो गया है कमालुद्दीन। ये क्या कह रही हैं? और फिरोजी भी हमें धमकियां दे रही है, हमारे सारे राज आश्कार हो सकते हैं। हमारे साथ अब जो भी होने वाला है, हम दोनों पहले से ही उसके मुस्तहिक हैं। हमारी खता बस एक दूसरे को पसंद करना है कमालुद्दीन। शहजादी, अब जो भी हमारे साथ होगा, हमारे पास उसे कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं। एक रास्ता है, यहां से कहीं दूर चलते हैं जहां पर महल की तरह हम पर कोई पहरा देने वाला ना हो। खदीजा, मैं पहले भी कह चुका हूं ये मुमकिन नहीं। हम यहां से दूर चले जाएंगे कमालुद्दीन, और नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बुजदिल की तरह यहां से नहीं भाग सकता मैं। नतीजा चाहे कुछ भी हो, मैं सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन आप जा सकती हैं। हम क्या करेंगे आपके बगैर? मर जाएंगे हम कमालुद्दीन। खदीजा, मेरी शहजादी, आप यहां रहें या ना रहें, मैं यहां नहीं रुक सकता। मैं आपके लिए चला जाऊंगा यहां से। शहजादे, सब कुछ खत्म हो गया शहजादे, सब कुछ। क्या हुआ महमूद पाशा? शहजादे, आपकी मोहर कहाँ है? कोई काम है आपको? नहीं शहजादे, नहीं, आपकी मोहर कहाँ है? अगर आप अखबारात की खबरों की वजह से परेशान हैं तो वो मसला हल कर दिया हमने, परेशान मत हो। नहीं शहजादे, बताइए मोहर कहाँ है? हमारी मोहर क्यों चाहिए आपको? लोग कहते हैं कि आपने अब्दुल हमीद के खास तबीब के साथ मिली भगत करके जहर दे दिया उन्हें। झूठ है, कोई यकीन नहीं करेगा इस पर, बाबा भी नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि इस इल्जाम को एक दस्तावेजी सबूत के जरिए साबित भी किया जा सकता है। मेहरबानी करके बताएं शहजादे, मोहर कहाँ है? हमारे पास है। यहीं पे थी। शायद तिजोरी में रखी है हमने। जल्दी देखें, जल्दी। नहीं है, यहां भी नहीं है। शहजादे, ये मसला हल करना होगा। वालिदा से बात कर लें, फिर आपको बताते हैं। जल्दी करें शहजादे, जल्दी करें, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। भागो शहजादे, भागो। मैं जानता हूं क्या करना है।
हम समझ नहीं पा रहे। मसला हमारा आपके साथ नहीं है, इसके बावजूद आप यहां पर क्यों आते हैं? आपका मसला जिसके साथ है उसके साथ हमारे काफी माशी मफादात हैं। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। उनके लिए आपने तमाम सिफारती रास्ते बंद कर दिए हैं, इसीलिए मजबूरन आपके पास आना पड़ा मुझे। हम समझते हैं इस मसले को बगैर किसी जंग के भी हल किया जा सकता है। कैसे हल होगा? आपने उनकी शराइत को कबूल करने से इनकार कर दिया, इसलिए वो जंग के लिए पुरअज़्म है। इल्म है आपको? मुख्तसरन बताएं। अगर आप जंग नहीं चाहते तो तेल की अराजी आप उस मुल्क के इदारों को देकर राजी कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, आप उन्हें जंग से नहीं रोक पाएंगे। क्या आप ये बात जानना चाहेंगे कि हम उन्हें किस तरह रोकेंगे? अपने जोरे बाजू से एक नई रियासत हमारी हुदूद की खिलाफ वर्जी करती है और उसके बाद धमकी देती है। वो तुर्कों की दो आदतें होती हैं, पहली ये कि मैदान जंग में डटकर मुकाबला करते हैं और दूसरी ये कि जंग के मैदान से कभी भी नहीं भागा करते। अब जब आप उन्हें अंग्रेजी में तर्जुमा करके बताएंगे तो अमेरिका को यह भी बताइएगा कि जो दस्तावेज वो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं वो दस्तावेज जो अगली सदी में तारीख का एक हिस्सा बन चुकी होगी, उसमें ये जरूर लिखिएगा ताकि वो दस्तावेज जब भी पढ़ी जाए तो दुनिया जान जाए हमें। सुकून हो जाइए शहजादे, महमूद पाशा ने आपको बिला वजह परेशान कर दिया है, इतनी फिक्र मत कीजिए। उनकी बात सच भी हो सकती है, वो मामूली मोहर नहीं है वालिदा। अगर वो चोरी हुई है तो हम आपके गवाह हैं। आप एक शिकायत लिखें, उसे लिफाफे में डालकर महल के दफ्तर में जमा कर दें और ऐलान कर दें कि मोहर चोरी हो गई है। अगर बाद में किसी गैर कानूनी दस्तावेज का सामना करना पड़ गया तो कह सकते हैं कि हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मोहर चोरी हो गई है, यकीनन ये कोई खेल खेला गया है। इसके बाद इसकी तहकीकात करवाएंगे और हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है वालिदा, शुक्रिया। अपनी गद्दारी का जिक्र वाजह तौर पर करना, ठीक है? सुल्तान अब्दुल हमीद को जहर मैंने जाती दुश्मनी की बिना पर दिया था, यह इसमें लिख दो। आला, करासू को मैं जानता हूं महमूद पाशा, इसने अपने खास मकसद के लिए मुझे पाइल कर लिया और गद्दारी की मैंने, लेकिन आप जिस खानदान के दामाद हैं उसे धोखा क्यों दे रहे हैं? मैं ये सब अपनी औलाद के लिए कर रहा हूं ताकि मेरे बाद उनकी जिंदगी शान से गुजरे। मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में मजीद खुशहाली ले आऊं। अब्दुल हमीद का जब तख्त उलट जाएगा और बादशाहत का खात्मा हो जाएगा उस वक्त उस्मानी कौम को इस बात का अंदाजा होगा कि आजादी किसे कहते हैं। उसके बाद उन्हें मेरी कदर होगी और फिर मैं मिल्लत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाला महमूद पाशा एक अजीम शख्स की तरह अपनी कौम के सामने आएगा और कहेगा कि ऐ मिल्लत, ऐ मेरी कौम, ये हैं वो आजादी के दिन वादा किया था जिसका मैंने उन लोगों से। महमूद पाशा, ये जश्न का वक्त नहीं है। भूल गया था मैं, लेकिन एक बात तो होता है कि मैं काबिल शख्स हूं। मैंने डॉक्टर को कायल कर लिया है ना? बिल्कुल कर लिया है। अगर आपका मंसूबा कामयाब हो गया तो आप पारवुज को भी कायल कर लेंगे पाशा। बात यह है जनाब कारासो, मेरी सारी कोशिशें पारवुज कौन है ये जानने के लिए हैं। चलते हैं महमूद पाशा। आप मुझे जिंदा सलामत यहां से निकाल देंगे ना? निकाल दूंगा, फिक्र मत करो।
ये तभी वजीर बनने वाला था। कौन उसे वजीर बनाने वाला था उस्मान? शहजादा अब्दुल कादिर। सुल्तान के जासूस अब्दुल कादिर की गद्दारी का सबूत सुल्तान को देने जा रहे होंगे। शहजादे को उस वक्त महल में नहीं होना चाहिए। शहजादे को तलाश करो और यहाँ ले आओ। उन्हें कई दिन से महसूस हो रहा है कि आपको उनसे ज्यादा किसी और की परवाह है। कोई हम पर बोहतान लगाएगा भी तो कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे हम। मार्कोस के लिए मुझे इल्जाम नहीं दे सकते तुम। उसने इतराफ किया है कि उसने खुद किया है। देखो ये मतलब कोई चाहता था कि वो इतराफ करे।